हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मुझे आपसे सिर्फ हेल्प चाहिए थी। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ अपने रैबिट को लेके। आप देख सकते हैं ये मेरे रैबिट का हाउस है फ्रेंड्स। एक्चुअली बहुत ही छोटे, तभी मेरे पापा इसको लेके आए थे, लेकिन ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स पता नहीं है कि छूने नहीं देते हैं, और काफ़ी बड़े होने के बाद मैंने इनको जब देखने लगी तो फ्रेंड देखिए, इनके ऊपर पता नहीं कुछ किसी तरह के घाव बनने लगे थे। तो फ्रेंड्स मैं 2 महीना पहले उनको डॉक्टर के पास लेके गई थी, तो उन्होंने इनको इंजेक्शन एंड कुछ मेडिसिन लिक्विड और कुछ लगाने के लिए लोशन दिया था, तो उनको कुछ इतना उसका असर नहीं हुआ फ्रेंड्स। देख सकते हैं छूने भी नहीं देते। देखिए पूरे वो स्किन देख सकते हैं आप, कैसे उनकी स्किन वहाँ पे घाव बन गया है फ्रेंड्स। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। एक्चुअली ये छूने तक नहीं देते, टच करने तक भी नहीं देते हैं। बहुत ही प्यार से उनको मैं पास में लेती हूँ, फिर भी नहीं आती, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। तो फ्रेंड ज़रा आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनको लेके काफ़ी परेशान हूँ। एक्चुअली ये 2 हैं, ये देख सकते हैं, ये दूसरा वाला यहाँ बैठा है फ्रेंड। देख सकते हैं इसको मैं पकड़ने गई तो ये भागने लगा, तो ये हाफ हाफ के परेशान हो गया, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो देख सकते हैं फ्रेंड बीच में, देखिए इसके गले के थोड़ा सा ऊपर देखिए गड्ढे गड्ढे के जैसा महसूस हो रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ पे उसके जख्म है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। एक्चुअली ये हाथ लगाते ही भाग देता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकती, देखिए भाग गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड चलिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह से भागने लगते हैं पास में जाने के बाद, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। मैंने तो सुना है रैबिट अगर खेलने लगते तो रैबिट पास में आके खेलने लगते, छूने देते हैं, लेकिन ये रैबिट पता नहीं क्यों पास में भी आने से दौड़ने लगते हैं। देख सकते हैं इसके कान पूरे, इनकी नसें पता चलती फ्रेंड। देख सकते हैं वहाँ पे उनके उसके पेट के पास देखिए एक छोटा सा गड्ढा हो गया है। एक्चुअली बहुत बड़ा घाव हो गया है। मैंने इसको पहले स्टार्टिंग में हल्दी और थोड़ा सा गुनगुना तेल लगा के लगाया था, लेकिन उससे कोई थोड़ा मतलब फ़र्क नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर के पास इनको जब लेके गई तो डॉक्टर ने एक मलम दिया था। तो फ्रेंड्स मैंने मलम लगाया, लेकिन मुझे ये मलम चाट लेते फ्रेंड्स मुझे डर लगने लगा कि कहीं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए इनके ऊपर। इसके लिए मैंने मलम लगाना छोड़ दिया। एक्चुअली मलम लगाने के तुरंत बाद ये दोनों चाट लेते थे, तो इसके लिए मैंने मलम बंद कर दिया है फ़िलहाल, और फ्रेंड्स सिर्फ दवाई पिलाती हूँ इनको। फिर भी इनको कोई असर नहीं हो रहा, देख सकते हैं कैसे भागने लगता है, मतलब ये छूने तक नहीं देते हैं। तो मैं काफ़ी इनसे परेशान हो चुकी हूँ। एक्चुअली पता नहीं मैं इनके लिए क्या करूँ कि ये ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास इसका कोई भी दवा है या फिर कोई आपके पास अच्छा कोई डॉक्टर होगा तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे पेट को बचाने के लिए फिर थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए फ्रेंड्स। सही में मैं बहुत परेशान हूँ इनको लेके, ये बिल्कुल छूने नहीं देते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं मैं आपको इसका घाव दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए इस तरह, देखिए यहाँ पे इसके पता नहीं जहाँ पे घाव बन जाता है फ्रेंड्स वहाँ से उनका स्किन अपने से स्किन और बाल झड़ने लगते हैं। देख सकते हैं इस तरह से है, देखिए वाइट वाइट जहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ से उनके बाल भी निकल रहे हैं, प्लस इनका घाव भी देखिए ताज़ा ताज़ा है ये वाला। रुकिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए इनको पता नहीं किस चीज़ का, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एलर्जी हो गया है। सिर्फ इनको घास फूस ही खिलाती हूँ, फ्लावर का जो पत्ता रहता है वो खिलाती हूँ, हरा धनिया, फिर थोड़ा सा आटा वाटा मैं इसको इनको खिला देती हूँ। बिस्किट विस्किट कभी कभी मेरे पापा डाल देते हैं। और देख सकते कितना लाल लाल हो गया उसका वो जो ज़ख्म है, देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही बुरा लग रहा है देखने के बाद। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनके लिए कुछ उपाय बताएं। प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं इसके लिए क्या करूं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे हेल्प कर दे। अगर आप भी रैबिट पालते या फिर आपके पास भी रैबिट के बारे में कोई जानकारी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, मेरे रैबिट के लिए मुझे हेल्प कर दे। देखिए कैसे छूने से काटने लगता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, कौन सी दवाई इनके लिए यूज़ करूँ। तो फ्रेंड प्लीज़।